बॉलीवुड स्टार्स ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने लगाई ये गुहार, खासकर सुनील शेट्टी और जैकी श्रॉफ ने जो कहा उसकी हो रही है तारीफ। देखिए पूरा वीडियो। जैकी, वेलकम टू मुंबई, कभी भी घर का खाना चाहिए तो हुक्म करना, मिल जाएगा। बस बाकी कुछ बड़े लोग आए, सब बात अच्छे कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा। फिल्म बंधु सबको प्रणाम। सुभाष जी, आपके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने मुझे लाया, थैंक यू। और बाकी जितने भी सीनियर हैं यहाँ पे, सबको बहुत बहुत प्यार। थिएटर का पॉपकॉर्न का कीमत जरा कम करो सर, 800 रुपये लेते पॉपकॉर्न का, ये क्या बात हुई। तो उत्तर प्रदेश में जब सिनेमा हॉल बनाएंगे ऐसा उनको दंड रखना कि इतना नहीं खा सकते भाई, खाओ मगर पेट ना फट जाए, खाओ और खिलाओ मगर इतना कैसे खा रहे सब ने आप क्या सब थिएटरों में, मुझे लगता है बराबर ना 800 रुपये। हाँ तो सर बस उसी पे ध्यान दें तो अंदर आना शुरू कर दे, थिएटर में पिक्चर बनाएंगे स्टूडियो बनाएंगे मगर अंदर कौन आएगा, वही आएगा ना जिसके बेचारा खाया जाए तो ऐसा ना नंगा हो जाए। बाकी आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, आप आए आते रहे, खुशी होती है आपको देखने से, घर वाले पसंद करते हैं आपको, बाकी हमारे सारे मित्र यहाँ आए सब आपको चाहते हैं, खुश रहे, कभी कुछ जरूरत पड़े खाना वाला तो बता दें सर। थैंक यू वेरी मच, आप सब सर जरूर स्टैंड करेगा सुनील शेट्टी सर। प्रणाम महाराज जी, मैं सुनील शेट्टी। आई थिंक जैकी जी ने बहुत कुछ कहा हम सब की तरफ से, लेकिन बहुत ही सीनियर्स आए हुए हैं और सभी ने बहुत ही अच्छा बोला। वाकई ये प्लान बहुत ही खूबसूरत पॉलिसी, जैसे राहुल ने कहा कि डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज इन द यू नो दैट एनी स्टेट हैज पुट फॉरवर्ड। बस यही है, बार बार यही कहना है कि वन विंडो क्लियरेंस रहना चाहिए, प्रोटेक्शन, जीरो क्राइम रहना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर शूटिंग होती भी है और कंफर्टेबल शूटिंग होती है। थर्ड ऑफ कोर्स एजुकेशन पे ध्यान। सिर्फ हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमें एक्टर्स क्रिएट करना है, लेकिन टेक्निकल टीम्स भी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम यहाँ से आए तो बहुत ही एक छोटी यूनिट लेकर आए और वहाँ के लोकल्स को हम वो एनकरेजमेंट दे, तब जाके ये कंप्लीट पॉलिसी भी हिट होगी, क्योंकि जब लोकल्स को काम मिलता है तो कहीं ना कहीं एक रिडेम्पशन जैसा होता ही है। ऑफकोर्स थिएटर्स, क्योंकि इवेंचुअली आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है, तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलके उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं, हार्टलैंड ऑफ हिंदी सिनेमा। हमारी ऑडियंस अगर मैं सुनील शेट्टी बना तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के वजह से, उसी फैंस के वजह से। फ्राइडे जब थिएटर में लोग भरते थे तो बाकी की इंडिया बोलती थी कि हाँ यार ये फिल्म चलेगी। तो इन चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे और अगर आप लीड लेंगे तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल अग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं, हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहें तो बहुत फर्क पड़ सकता है सर, बस मेरा सिर्फ यही कहना है। थैंक यू जी। नेक्स्ट, प्रणाम महाराज जी। यहाँ
सुनील शेट्टी साहब ने बात की, सबने बात की सुरक्षा की, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने, तो आपको देख के एक भगवद गीता का श्लोक याद आता है कि परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कि सज्जनों के कल्याण के लिए, और धर्म यानी हमारा कर्म है वो हमारा धर्म है, और उस धर्म के संस्थापन के लिए आपने जो ये महत् कार्य किया है, फिल्म सिटी 1000 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में बनाने का संकल्प जो है वो बड़ा अद्भुत है, और पहली मीटिंग में भी मैं था, और जो सब्सिडी है वो भी बहुत बढ़िया है, और फिल्म जगत के लिए सिर्फ न केवल हिंदी फिल्म के लिए या किसी भी भाषा की फिल्म वहाँ अगर शूटिंग करने आए तो उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी एक बात सुरक्षा की दृष्टि से, मैंने बहुत सारी फिल्में भी वहाँ शूट की, चाहे वो गंगा का घाट हो, लखनऊ हो, या कहीं पर भी, कोई भाई या कोई पुलिस वाला किसी भी प्रोडक्शन के पास पैसे मांगने नहीं आया, और ये सत्य है, और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिल्म सिटी बन रही है तो केवल दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो स्किल डेवलपमेंट के तहत यहाँ पर काम करने वाला जो छोटा इलेक्ट्रिशियन है या लाइटमैन है या फोकस पुलर है या ट्रॉली चलाने वाला है, उसका भी प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगभग 60-70% लोग वो उत्तर प्रदेश से हैं, मेरे साथ लोग सहमत होंगे, उसमें काम करने वाले, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने वाले, तो न केवल कलाकारों को लेकिन ये शिक्षण भी स्किल डेवलपमेंट के तहत बहुत बड़े पैमाने पे हो सकता है, और उसे अगर प्रशिक्षित किया जाए तो वो जो फिल्म सिटी बनेगी वहाँ उसको तो काम मिलेगा ही, वो कहीं पर भी जाके बहुत आसानी से, क्योंकि ये लोग अनुभव के आधार पर काम करते हैं, यहाँ आते हैं किसी के साथ बुलाने पर, बट अगर वो प्रशिक्षित होता है, छोटा से छोटा ट्रॉली पुलर भी अगर प्रशिक्षित होता है तो अच्छा काम होगा, क्योंकि उसकी ट्रॉली पुलर की गलती की वजह से भी एक शॉट एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, कलाकार की गलती की वजह से तो लेना ही पड़ता है, तो वो अगर प्रशिक्षित हो उस टाइप के जितने भी जो कामगार हैं वो सारे प्रशिक्षित हो, वो स्किल डेवलपमेंट के सहायक हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, तो ये एक है। और दूसरे जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, जैसे कि सेट डिजाइनर हो, तो उनके लिए कंसेशन रेट में वहाँ जमीन उपलब्ध हो, या मुझे नहीं मालूम उनका मॉनिटोरियम कुछ अलग करके उनको, क्योंकि वो बेसिक है, वो लोग बहुत बेसिक लोग हैं, और उनको कंसेशन रेट में वहां, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार है ये जो भी बनेगा उसका, तो वो अगर प्राप्त हो तो कोई भी आके वहां अगर स्टूडियो वहां बने भी तो भी इनकी बहुत आवश्यकता है, और वो समान रूप से वहां काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। धन्यवाद। थैंक यू। समय अब बहुत कम है, मैं चाहूँगा कि कुछ और जो प्रमुख लोग हैं एक एक करके बहुत शॉर्ट में। जी नमस्कार महाराज जी, सारे सीनियर्स ने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरा ननिहाल एक्चुअली यूपी है, तो मैंने यूपी में बहुत ज़्यादा समय गुजारा है, मैं एक्टर हूँ और प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पिताजी और मैं फिल्म बनाते हैं, और बहुत अच्छा लगा यूपी का जो वीडियो देखा उसका शुरुआत मेरे वीडियो से मिली थी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि कहीं ना कहीं कनेक्शन आ गया। सुरुमा सेकंड नंबर गाना किया था मैंने, और मुझे पता है महाराज जी उधर क्या काम हो रहा है, बिकॉज मेरी मासी चाची बुआ सब वहीं रहते हैं कानपुर लखनऊ में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं तो आज ऐसा फ़ैन आया हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मुझे आने का मौका मिला मेरे सीनियर्स के साथ, और हम इंफ्रा में भी बहुत काम करते हैं, तो आई विल वॉन्ट टू से कि जो भी सपोर्ट मैं और मेरी फैमिली और कंपनी कर सकती है हम ज़रूर करें। प्रणाम करता हूँ महाराज जी आपको, जगीदा ने मुझे खड़े होने की हिम्मत दी, क्योंकि खड़े होने से मुझे अपनी हाइट का एहसास रहता है, सब बैठे मैं खड़ा। महाराज जी आप अध्यात्म और कर्म और धर्म की जागृत चेतना है, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश हमारी जन्मभूमि है, हमारी माँ है, और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, हमारी सिनेमा है,
तो माँ और सिनेमा के बीच में एक ऐसी आपने पहल की है कि देखिए मेरे हिसाब से पहली और आखिरी फिल्म सिटी है जिसका नाम है गोरेगांव फिल्म सिटी, ठीक है। इसकी हजारों सब्सिडी है, बॉलीवुड जो है मलयालम से, जैसा सुनील नंदन ने बताया बड़ा अच्छा, एक तेज करण साहब ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, जो लगभग लगभग सिटी है कॉरपोरेट सिटी है, नोएडा एक कॉरपोरेट सिटी है जहाँ पे प्रशिक्षण की बात बहुत अच्छी आई कि हम लोग अगर लैब, हम किसान के बेटे हैं, हम गोदाम में धान गेहूं गन्ना भरते हैं लेकिन उसको उगाने खेती में जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नोएडा हमारा कॉरपोरेट सिटी है, वहाँ प्रशिक्षण सिटी, कॉरपोरेट सिटी, लैब सेंटर, प्रशिक्षण सेंटर सब कुछ बने और उसको फिरकी बनाए उसका माझा हाईवे के रूप में 3.5 घंटे दूर एक आपका ऐसा कोना है जो जल जंगल जमीन पर्यावरण पर्यटन से बहुत प्रोत है जिसको रोयल खंड बोलते हैं, अगर उसको धान गेहूं गन्ना की तरह एक क्रिएटिव सृजन के रूप में अगर सब लोगों को बोला जाए कि नोएडा आइए आप वन विंडो, जैसा कि सुनील नंदा ने बोला, तेज किरण साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि सारे सिटी एक जैसे लगते हैं, एक बार आप शूटिंग करेंगे तो दोबारा उस बिल्डिंग में शूटिंग नहीं हो सकती, लेकिन प्रशिक्षण खूब हो सकता है, लैब खूब हो सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज अब पूरी दुनिया छोटा सा गांव हो चुकी है, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है और इसमें अगर नोएडा से हम मात्र 3-3.5 घंटे जहां पे 100 किलोमीटर का जंगल है, चंपावत से लेके पीलीभीत से लेके, जहां पे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा कि छोटे छोटे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, गोरखपुर हमारे पास में आपकी जन्म, आपकी जो ऐसी सिटी है जिसको आपने देखा है, गोरखपुर एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट आपने बनवा दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई, पंतनगर एयरपोर्ट है और ये सारे एयरपोर्ट मिलके ये उत्तरार्ध कोना वैसे भी कुबेर का कोना बोला जाता है। अगर ये वहाँ 100 किलोमीटर का जंगल है, पड़ोस में नेपाल है, पड़ोस में चंपावत है, जहाँ पे पशु पक्षी से लेके दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो आप बोलते हैं जहाँ प्रकृति होती है वहीं हवा रहती है, हवा में ही कला होती है। तो मैं आपसे जरूर ये विनती करना चाहूँगा कि अगर सब लोगों के लिए हम लोग नोएडा के लिए हम फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर, अगर आपको ये विनती पूर्वक सुझाव अच्छा लगे तो आपके चरणों में जरूर रखना चाहूँगा, लेकिन खेती, क्रिएटिव खेती बाड़ी, सृजनशील खेती बाड़ी के लिए हम सबको ये सुविधाएं दे सकते हैं कि अगर आपको सेट लगाने हैं, अगर आपको प्रकृति के करीब जाना है तो हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास जंगल भी है, हमारे पास जमीन भी है और वो ऐसा कोना है जो अभी तक अछूता है। आई थिंक वहाँ पे अगर फिल्म सिटी शूटिंग क्षेत्र का गेट भी लग जाएगा तो पर्यावरण के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से हजारों लोगों को घूमने का मौका मिलेगा और जहाँ मधुमक्खियाँ जाती हैं, बिलीव करिए एक एक मधुमक्खी की तरह रोजगार के साधन, चाहे ठेले वाले से लेकर हो, चाहे दूध वाले से, हजारों लोगों के रोजी रोटी के साधन खुल जाएंगे। तो अगर रोहिलखंड को जेवर से, नोएडा से जोड़ दिया जाए कि ये हमारा कॉरपोरेट सेंटर है, फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर और शूटिंग सेंटर हमारा रोहिलखंड है, तो वो पतंग रोहिलखंड उड़े, उसका माझा आपके हाथ में हो और नोएडा में हो, तो आई थिंक बहुत ही शोभा बढ़ जाएगी और 7 फिल्म इंडस्ट्री उससे जुड़ जाएंगी, क्योंकि और जो हमारी बॉलीवुड से कनेक्ट हो जाएंगी। 7 फिल्म इंडस्ट्री मतलब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री, बुंदेलखंडी फिल्म इंडस्ट्री, उत्तराखंडी फिल्म इंडस्ट्री, हिमाचली फिल्म इंडस्ट्री, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ये सब मिलके बॉलीवुड का हिस्सा होके हमारे फिल्म सिटी मुंबई से जुड़ जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राजकुमार संतोषी जी, नमस्ते महाराज जी, सोनू निगम बोल रहा हूँ। अपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपसे शेयर भी कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मैं, मेरा परिवार यूपी से है, मेरे फादर यूपी से हैं, मेरी मम्मी उत्तरांचल से है और पैदा हुई थी महाराष्ट्र में, तो मेरे तो तीनों से संबंध है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आप यूपी और महाराष्ट्र को इस तरीके से मिला रहे हैं और हमारी ओर से यहाँ मेरे काफ़ी कुछ बड़े बैठे हैं, कुछ छोटे हैं, हमारी ओर से जो बेस्ट हो पाएगा आपकी नीयत और आपके प्यार को और आपके, जैसे बोर्ड जी ने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने यूपी को क्राइम मुक्त किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और इतने प्रेम भाव से आप यहाँ पर आके सबको मिल रहे हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर यूपी में ये जादू और मैजिक करके दिखाएंगे हम लोग। थैंक यू कैलाश जी।
हरिओम महाराज जी, और मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ महामूर्तियाँ बैठी हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बात हो रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि फिल्म सिटी तो ठीक है, एक इल्म सिटी की भी ज़रूरत है भारत को। और कुछ चुने हुए लोग, महाराज जी जैसे, आप जैसे लोगों को परमात्मा ने चुना है, तो उस तरफ भी ध्यान दें। उत्तर प्रदेश जाना जाता है अध्यात्म के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। भारत के भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव की पहली नगरी ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने 7 प्राइम मिनिस्टर दिए हैं। भारत बदल रहा है, उत्तर प्रदेश बदल रहा है, आपकी वजह से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। एक वहां अध्यात्म का गढ़ भी बना दीजिए, फिल्म सिटी के अंदर ही एक इल्म सिटी हो और मेडिटेशन सेंटर हो। ये दुनिया दिमाग वाले चला रहे हैं महाराज जी, लेकिन जैसी चल रही है ये तो सबको पता है कैसी चल रही है। तो थोड़ा सा हृदय का भी ख्याल रखिए। बहुत बड़े बड़े अंग्रेजी बोलकर बेचारे सब वचन दे रहे हैं, अच्छा बिजनेस का काम हो रहा है, पर गुरु जी थोड़ा सा ध्यान हृदय पर भी देना पड़ेगा। और ये संत लोग, आप जैसे लोग कर सकते हैं, थोड़ा उस पर भी देंगे हम ध्यान। बस यूपी में आइए, हम यूपीआई के हैं, ऐसा स्वागत करेंगे साहेब, अपना तन मन धन तीनों से आप सबका स्वागत करेंगे। ऐ मेरे पूरे विश्व वालों और क्रिएटिव मस्तिष्क वालों, बस थोड़ा सा ये है कि हेल्थ पे ध्यान देना है अपनी अपनी, और खुश रहना, खुश रहना भूल रहे हैं महाराज जी लोग। तो जरा फिल्म सिटी के साथ एक इल्म सिटी भी वहाँ चुप्पा चाप गाड़ देंगे। आओ 15 दिन का फरवरी में मेडिटेशन करो, बहुत अच्छे वहाँ कलरव हो पक्षियों का, और झील हो, कोई नदी के किनारे कुछ और हो रहा हो, अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा हो, म्यूजिक हो रहा हो, ऐसा भी एक जरा काम हो। हरिओम। थैंक यू द्विवेदी जी। से आप शुरू करेंगे इधर से सीनियर लोगों। चल प्रकाश जी, महाराज जी प्रणाम। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। कम होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और भीड़ से बचने के उपाय ढूंढने होंगे कि जहां भी हिंदी फिल्म का बड़ा अभिनेता जाता है वहां भीड़ की व्यवस्था वो उस पर नियंत्रण रखा जा सके, तो मैं समझता हूँ अधिक से अधिक लोग। थैंक यू मनोज जी। नहीं, आप शुरू करें, आप बोले आपके बाद जी। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अपना परिचय ये देता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश की पैदाइश हूँ, अमेठी में जन्मा, वहाँ पला बढ़ा, माँ मुंबा की नगरी आया, जहाँ बड़े उन्मुक्त तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जो भी जहाँ पहुँचाया मुझे। एक दो बातें जो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मेरे उत्तर प्रदेश का चौतरफा विकास करने के लिए। और जब मैं चौतरफा कहता हूँ तो मेरा मतलब वाकई 360 डिग्री। आज जब मैं देखता हूँ कि 13 एक्सप्रेस वे बन चुके हैं मेरे उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश में जहाँ अमेठी से लखनऊ आने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लग जाते थे एक ज़माने में, मैंने वो दौर देखा, आज एक्सप्रेस वेज हैं सबसे ज़्यादा, वो भी 13। हरित क्रांति का आलम यह है, छोटा मोटा ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका है कि तकरीबन 35 करोड़ पौधे रोपे गए हैं उत्तर प्रदेश की धरती में, बड़ा अच्छा लगता है। एक ही चीज़ है जहाँ हमारा उत्तर प्रदेश जीरो है, और वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, वो हम जीरो ही रहना चाहते हैं। आज अच्छा लगता है देख के कि आज हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी नाइट शिफ्ट करके वापस घर आ रही हैं, तो उनको विश्वास है कि किसी भी आतताई का हाथ उनके दुपट्टे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि माननीय योगी जी ने कदम कदम पर उनके वर्दी वाले भाई नियुक्त कर रखे हैं। ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। एक जो शुरुआत हुई है, सोनू जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने उत्तर प्रदेश को कनेक्ट किया महाराष्ट्र से, मैं कहता हूँ ये आपने दादा साहब फाल्के ने जो किया था उसको आगे बढ़ाया। 1913 में उन्होंने पहली पिक्चर बनाई राजा हरिश्चंद्र, और जो नायक चुना अपनी पिक्चर का वो राजा हरिश्चंद्र थे, जो उत्तर प्रदेश के थे, एक छुआकू वंश के थे। तो ये कनेक्शन तब का है, तब से आज तक ये रिश्ता जुड़ा हुआ है। आपने हमारी अपील पे, हमारी गुहार पे, हमारी पुकार पे फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना की। मैं चाहता हूँ जितने भी गतिरोध हम सबको देख रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं वहाँ आना, वहाँ काम करना। इन सब की अपनी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनको सुना जाए, और जितनी जल्दी हो सके पूरे पैशन के साथ फिल्म सिटी गतिमान हो और हम सब वहां आए और शूटिंग करें।
बस मेरी इतनी सी इच्छा है, मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी पूरी होगी। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम ओम राउत है, मैं फिल्म निर्देशक हूँ। मैं मराठी फिल्म कर चुका हूँ, इसके पहले एक तानाजी नाम की हिंदी फिल्म की, हिंदी और तेलुगु में फिल्म कर रहा हूँ। जैसे अभी हम सब कह रहे हैं कि फिल्म शूटिंग करना और ये सब चीज़ों की सुविधाएं तो अभी हो ही रही है, जिस तरह सुभाष जी ने कहा, और हमें एजुकेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि अधिकाधिक तैयार कलाकार हमको यहाँ से बनाने। और इसके साथ साथ पिछली बार जब हम मिले तब मैंने आपको एक छोटी चीज़ बताई थी, वो मैं थोड़ा उसका अधिक विस्तार से उस पर कहना चाहूँगा कि जैसे वैशाली जी ने भी कहा कि अधिकाधिक थिएटर्स अगर हम उत्तर प्रदेश में बनाएं, तो उसका थोड़ा डेटा लास्ट टाइम से मैंने थोड़ा कलेक्ट किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में 1 मिलियन पॉपुलेशन के पीछे, 10 लाख के पीछे 2.3 स्क्रीन्स हैं। यही संख्या महाराष्ट्र में 8.9 है, और यही संख्या आंध्र प्रदेश जो सबसे बेहतर है वहाँ पे 21% स्क्रीन से। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली कुछ एक जगह पे इम्प्रूवमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर हम 12 साल के ऊपर की लोग हैं जो कि जिसे हम टिकट बायर्स कहते हैं, तो उन वो टिकट बायर्स अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 24.5% टिकट बायर्स को एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स है, वेरेज यही नंबर महाराष्ट्र में 35 से ऊपर है, और यही नंबर आंध्र प्रदेश में 47% है। सो देर इज़ ए ह्यूज स्पेस टू इम्प्रूव देयर सर। एंड इफ आई लुक एट द पोस्टल कोड्स, 1631 पोस्टल कोड्स इन उत्तर प्रदेश, आउट ऑफ विच 174 ओनली हैव एक्सेस टू सिनेमा हॉल्स। सो मुझे लगता है सर कि अगर हम सिनेमा गृह अधिक बढ़ाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जिसे हार्टलैंड कहते हैं, हम इस तरह से बहुत अमेजिंग सुविधाएं यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे अगर टिकट सेल्स भी अगर बढ़ा कर सकें, तो अधिकाधिक हार्टलैंड की बेस्ड फिल्म बनाने का प्रोत्साहन सिर्फ मुंबई नहीं पर भारत के सभी फिल्म मेकर्स को उसको एक प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं निर्माता राहुल मित्रा, आपसे भेंट करने का अवसर बहुत बार प्राप्त हुआ। पहली दफ़ा 2018 में जब आपने पहली दफ़ा मुंबई में रोड शो किया तो वहाँ पे आपसे भेंट हुई थी, और जो सुझाव उस समय आपके साथ शेयर किए वो सारे के सारे पूरे हुए, और उन सुझावों को आपने इंक्लूड किया पॉलिसी में, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं क्या बोलूँ, यहाँ काफ़ी लोग हो चुके हैं, लेकिन एक इंस्पेक्टर अविनाश जियो का एक इम्पॉर्टेंट शूट हो रहा था, सीरीज़ जो भी आने वाला है, और लोकेशंस को लेके कुछ हल्की दिक्कत थी, और मैंने आपसे समय मांगा और हम लोग आए वहाँ पे। तो मैं तो ऐसे किसी प्रांत के चीफ मिनिस्टर को नहीं जानता जो लोकेशंस के लिए भी प्रोड्यूसर्स को और एक्टर्स को मिलते हैं। तो इस टाइप की एक्सेसिबिलिटी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इससे बेहतर पॉलिसी नहीं है। हम लोगों को अवसर मिलता है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में जाने के लिए। उसके मैं समअप करने के लिए तीन चीज़ें मुझे जो समझ में आती हैं आपके मार्गदर्शन में क्या हुआ है, कि एक तो आपने इंसेंटिवाइजेशन की जो इंसेंटिवाइजेशन है उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, और तीसरा सेंसिटाइजेशन। ऐसा बहुत सारे स्टेट्स में मैं नाम नहीं लेना चाहता, हम लोगों को काफ़ी बुलाया जाता है, लेकिन सिर्फ कागज के ऊपर पॉलिसी रह जाती है। उत्तर प्रदेश केवल एक प्रांत है जहाँ पे ना सिर्फ सरकारी सीनियर ऑफिसर से लेके नीचे एजेंसी सभी लोग ईज फॉर शूटिंग, और इस तरह से मोस्ट फ्रेंडली स्टेट उत्तर प्रदेश इसी वजह से। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिर्फ एक सुझाव है कि OTT, जैसे यहाँ पे शिवशिष ने कहा, मेरे कुछ और मित्रों ने कहा, OTT के वो जरूर शामिल कीजिए अपनी पॉलिसी में, क्योंकि OTT में बहुत सारे सीरीज बन रहे हैं, और OTT और फिल्मों में मुझे लगता है कि बहुत जो डिवाइड है वो बहुत कम रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नया लोकेशन, नई बातें, और महाराज जी आप हमेशा सम्मान करते हैं, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, इतना भव्य है कि जिस हिंदी भाषा, हिंदी हार्टलैंड पे बन रही फिल्मों का स्वागत आप करने के लिए आपने इतना बड़ा स्टेप उठाया,
कि एशिया के सबसे बड़ी फिल्म सिटी का आपने जो एक 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 एक, एक तोहफा जिसको फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिया है, जो बॉलीवुड, जो हिंदुस्तान बॉलीवुड जिसको मैं हिंदी सिनेमा कहता हूँ, जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है विश्व की, 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती हैं यहाँ पर, और करीबन आपकी ये सब्सिडी की वजह से 100 से 125 फिल्में की शूटिंग इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो महाराज जी धन्यवाद आपका कि फिल्म इंडस्ट्री हमारे सिनेमा जगत, जहाँ से मैं आता हूँ, दिनेश बाबू आते हैं, जहाँ से मेरी पहचान बनी, उसके लिए आपने और लाखों लोगों को रोजगार देने और लाखों जैसे हम जैसे लोग आके जो स्ट्रगल करते रहे, उन लोगों को अपने घर के पास एक नया स्थान मिलेगा, रोजगार मिले। यूपी महाराज जी ने लगातार प्रयास किया और सुविधाएं दी। यूपी में फिल्म इंडस्ट्री की प्रगति हुई है, ये मैंने बहुत सालों से नहीं देखी, जो कि मैंने कुछ सालों में देखी है। और ख़ासकर जो आपने फिल्म सिटी, ये बड़े ही प्रण से और लगन से इसको पूरा विस्तार रूप दिया है। साथ में मैं ये चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन शिक्षा स्थान की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यूपी के बच्चे भी जो हैं वो कलाकार, एक ट्रेंड कलाकार बने, ट्रेंड टेक्नीशियंस बने, और ताकि आने वाले समय में आपको बाहर से जो है वो टैलेंट नहीं मंगाना पड़े, आपके बच्चे ही उस फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं। उसकी भी एक सॉफ्ट पावर की भी ज़रूरत है हार्ड पावर के साथ साथ, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। मैं सर मैं शिवाशीष सरकार ऑन बिहाफ ऑफ प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया। ऑनरेबल सीएम सर, वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी एंड कॉलिंग अस हियर। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, वी आर रियली थैंकफुल दैट यू हैव गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक, डिसाइड एंड स्पीक दैट वॉट कैन बी डन एंड वॉट वी कैन डू ऑन बिहाफ, एंड यू हैव ओपनड अप द डोर्स ऑफ द यूपी एज अ स्टेट। There are a lot of things and the initiatives what we are seeing and what we are seeing here, which really is amazing. There are two or three ways or different ways a state can be an attracting power. It can be either through the infrastructure, the kind of studio facilities, the kind of infrastructure you are building. Taking the cue from what Shubhashji was saying, that along with the infrastructure, you have to build up an ecosystem of people and the skill. And our industry and our people from here can play an active role, whether setting up in film schools, animation schools, any kind of skill sets. We have done that for a lot of years. The second way of attracting talent and building up an overall ecosystem is, which also I think the pivotal role has been played through the incentives and subsidies. But probably a time will come to look at those upper caps, because many point of time a large investment of hundreds of crores of claims probably will not decide by a level of 1 crore, 2 crore kind of a limit. We can discuss offline and can think through. And the third point on behalf of the guild, the request is that Shilpa Bandhu has been doing wonderful with the industry and our industry. But that line of demarcation between television production, OTT production and film production, if that can go, because all sectors of productions are, in today's world, the significant amount of productions are happening in OTT as well as TV, as well as film. Thank you. Sir, we'll make an important announcement on OTT, so just wait. Next. नमस्ते सर, आशीष सिंह लाइका प्रोडक्शंस, साउथ बेस्ड कंपनी है। मुझे सौभाग्य हुआ है इससे पहले यशराज फिल्म्स नेटफ्लिक्स में काम करने का, तो नॉर्थ और साउथ दोनों का एक्सपीरियंस मेरा है लकीली। जब मैं यशराज में था तो यूपी में हमने बहुत शूटिंग की और बहुत मज़ा आया। सौभाग्य से हमने ऑलमोस्ट 35 कंट्री में शूट किया इससे पहले, बट यूपी एज अ स्टेट में जो शूटिंग करने का जो माहौल है और जो अपनापन है वो बहुत कम। अब मेरा एक पैर साउथ में भी है, तो साउथ में इतनी अवेयरनेस नहीं है यूपी एज अ स्टेट शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एज अ स्टेट एवरीबडी नोज, लोकेशन सबको पता है, यूपी की सब खासियत सबको पता है, बट फिल्म बंधु अगर एक इनिशिएटिव ले और साउथ में भी जाके एक छोटे मोटे रोड शो करे, हैदराबाद में जाके, चेन्नई में जाके, क्योंकि वो उनकी भी फिल्में बहुत बड़ी बन रही हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार सर, मैं सुनील कुमार बात कर रहा हूँ। And thank you for the opportunity. I'm of course sitting with a lot of my seniors over here. ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि हमने हाल ही में एक पिक्चर शूट की थी सोनी के लिए यूपी में, और हमारा एक्सपीरियंस है, आशीष भाई ने कहा बहुत अच्छा रहा है।
हम आगे जाके दो या तीन पिक्चरें और अगले साल में करने वाले हैं यूपी में शूट। एंड इसके अलावा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, हमारे लिए काम करने का तरीका आसान हुआ है, वो बहुत ही हेल्पफुल है। एंड जितनी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूकता होगी, उतना ज़्यादा आपके लिए और हम सब के लिए अच्छा होगा। थैंक यू। नेक्स्ट। नमस्कार सर, तेज करण फ्रॉम जियो स्टूडियोज, आई हैंडल द ओरिजिनल्स। हमारी तीन सीरीज बहुत सक्सेसफुली फिनिश हो चुकी हैं शूट यूपी के अंदर, एंड इट वाज अ ब्री शूटिंग देयर, सो थ्री आर ऑलरेडी डन, और कर सकते हैं, वरना वही सेम दिखेगा जो हमेशा दिखता है। श्योर, वी विल वर्क विद दैट। थैंक यू। नेक्स्ट है, मेक इन यूपी बेटर गोल है। उसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, एजुकेशन पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप करने की ज़रूरत है, हाई स्कूल एजुकेशन में क्रिएटिव आर्ट्स की ज़रूरत है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम प्लान देख रहे हैं, और तीसरा पॉलिसी है जो ऑलरेडी आ चुकी है और डेवलपमेंट्स हो सकती है। एंड जस्ट टू ऐड टू व्हाट सुभाषजी ऑल्सो सेड इज लखनऊ, कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, ये चार सिटीज से हर जगह से स्टोरीज बनाए, हर जगह से स्टोरी टेलर्स को एनेबल करें, और अभी विद दिस फोकस ऑन द फिल्म सिटी एंड द एसोसिएटेड फोकस ऑन बिल्डिंग you know, a very attractive and a very beneficial destination for storytellers. I'm sure it is going to be great, not just for creators, but for audiences as well. So, thank you very much. Sir, ek cheez bas main add karna chahunga, film jo city hai, usme film institute bhi planned hai. So, it is an essential ingredient of the film city. यहाँ पे लखनऊ में एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रोडक्शन के लिए तो सब यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हैं, तो दे आर द बेस्ट टू डिसाइड, बट इतना बड़ा आपका स्टेट है हिंदी स्पीकिंग, बट बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हैपेंस ओनली 6%, तो आप ज़रा मतलब अब देने की बात कर रहे हैं, थोड़े लेने की भी बात कीजिए, और थोड़े थिएटर्स पे आप सपोर्ट कीजिए, तो GST रेवेन्यू भी मिलेगा। कम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड थॉट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। प्रणाम महाराज जी, मैं अनिल शर्मा हूँ, फिल्म डायरेक्टर हूँ, और अभी कुछ महीनों पहले ही लखनऊ में शूट करके आया गदर 2, और यूपी का ही रहने वाला हूँ, मथुरा से हूँ, और आपको बहुत मानता हूँ, और आपको इसलिए मानता हूँ कि चूँकि मैं मथुरा में हूँ और हेमा जी वहाँ हैं, और मैं उनके इलेक्शन में भी कई दफ़े गया, और मथुरा के बारे में मुझे काफ़ी डिटेल मालूम है, और किस तरह से वहाँ उत्साह है, जब वहाँ पूरी का पूरा मथुरा किस तरह से आनंदित है कि वहाँ फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मथुरा कृष्ण की नगरी है, और कृष्ण तो 16 कलाओं के आप जानते हैं कि उनसे बड़ा कलाकार, उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो बहुत ही खुशी की बात है कि मथुरा के आसपास आप फिल्म सिटी लेकर आ रहे हैं। और मेरा अनुभव पिछली गदर हो या ये नई वाली गदर हो जो लखनऊ में शूट करने का, वो बहुत ही कमाल है, और उसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि मुझे वहाँ पे लाल ब्रिज पे शूटिंग करनी थी, और मैं DGP साहब मुकुल जी से मिला, आपसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, चूँकि उस वक्त आप इलेक्शन में बिजी थे, तो मुझे उन्होंने पूरी दिन की परमिशन दे दी कि पूरी रोड ब्लॉक कर दी, पूरा ब्रिज ब्लॉक कर दिया, और ये यूपी में ही हो सकता था। मुझे छोटा इमाम बाड़े के सामने पूरी की पूरी रोड ब्लॉक चाहिए थी पूरे दिन भर के लिए, क्योंकि 71 का पीरियड है, तो पीरियड की सारी गाड़ियाँ चाहिए थी, सारा माहौल चाहिए था, तो ये सब यूपी में ही मुमकिन था, मुझे नहीं लगता कि कहीं और ये मुमकिन है। और वो सब यही कहते थे कि योगी जी चाहते हैं कि भाई यहाँ फिल्म सिटी का बहुत बढ़ावा हो और सब कुछ हो, तो मैं उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरह से तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बस बहुत ही खुशी की बात है, जो आपका सारा सब्सिडी या जो भी है सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूपी में जो जैकी दा ने भी कहा और शेट्टी साहब ने भी कहा कि एक तो ये बायकॉट का जो सिलसिला है इस पर अगर हम कुछ कर सकें, और दूसरी चीज़ जो जैकी दा ने कहा कि भाई अल्टीमेटली पॉपकॉर्न और चीज़ें अगर इतनी महंगी हैं, टिकट रेट इतने महंगे हैं, फिल्म सिटी के साथ साथ अगर आप उसका भी कोई रास्ता बना सकें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑडियंस को तो थिएटर में आना है ना, तो ऑडियंस कैसे थिएटर में आए जब ऑडियंस के पास इतनी सारी चीज़ें हैं फिल्म देखने की, तो वो सिनेमा में क्यों आए, तो उसके लिए भी अगर आप कुछ प्रयास कर सकें, क्योंकि आप सक्षम है, आप कर्म योगी हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास ताकत है, पावर है, सब कुछ है, तो उस दिशा में भी अगर आप कुछ कार्य कर सकें तो हम सब लोग बहुत अनुग्रहित होंगे आपके, और बहुत बहुत धन्यवाद आप मुंबई आए, और आपके इन प्रयासों के लिए पूरी इंडस्ट्री हमेशा शुक्रगुजार रहेगी, और मैं इंडस्ट्री की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ।
थैंक यू सर। सर मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया है, एक एक चीज़ नोट की गई है एंड वी विल टेक, एज पहले भी कहा गया, वी विल टेक एक्शन, जैसा कि सर का आदेश होता है तुरंत तभी तत्काल।